Around 6,000 contract and contingent employees serving in different departments of illegally occupied Gilgit-Baltistan recently staged a protest in front of the Chief Secretary Office for the regularization of their jobs. Even though the Assembly has passed the Regularization of Contract and Contingent Employees Act 2020 and the Governor of Gilgit-Baltistan Raja Jalal Hussain Makhpoon signed it on June 26, it has still not been implemented. The protesters demanded the immediate implementation of the Act, which should have been done around 2 months back. हमारा मुतालबा ये है कि हमने यूनानिमसली इस असम्बली ने इस बिल को पास किया तकरीबन 2 महीने गुजर गए अभी तक इस बिल पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई ये जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में ये बेसिकली 6,000 नहीं ये 36,000 लोग हैं हर बंदे के पीछे एक फैमिली है 6-6 बंदे उस फैमिली को वो एक बंदा जो है उस फैमिली को की देखभाल कर रहा है तो ये आप इनमें देखें ज़्यादातर एम्प्लॉज़ की उम्रें भी गुजर चुकी हैं कोई 50 में चल रहा है कोई 49 में चल रहा है कोई 55 में चल रहा है 15-15 साल से ये अपने गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है अब चूंकि एक भी आ गया लॉ पास हो गया अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में क्या मसला है हम यहीं अपने हक के लिए आए हैं कि जी ये लॉ जो है ये बिल जो है फौरन इस पर इसको नाफिजुल अमल होना चाहिए और हमारे मुतालबात जो हैं उनको तस्लीम करना चाहिए ब्लेमिंग द ब्यूरोक्रेसी फॉर देयर सफरिंग्स द प्रोटेस्टर्स सेड दैट इट हैज बीन स्टैंडिंग एज अ स्टंबलिंग ब्लॉक इन देयर वे बट दे विल नॉट स्टेप बैक एंड विल कंटिन्यू देयर प्रोटेस्ट अंटिल देयर डिमांड्स आर फुलफिल्ड इस एक्ट के अमल दरामद कराने में वाज़े तौर पर ब्यूरोक्रेसी रुकावट है हम इनके इन तखरी हरबों और इस तरह के ओशे हथकंडों की भरपूर मजम्मत करते हैं और अगर फौरी तौर पर इसको नाफिजुल अमल नहीं किया गया तो हम आखिरी हद तक जाएंगे आखिरी हद से मुराद ये है कि हम हत्ता की ब्यूरोक्रेसी की इनखला का भी मुतालबा करेंगे जो हमारी हर तरह की आज़ादी और खुद मुख्तारी में वाज़े तौर पर रुकावटें डाल रही है There are around 5,000 contingent employees who have been serving in Gilgit-Baltistan for many years at nominal salaries. Few employees are even paid Rs 1,000 monthly, which is also the violation of minimum wage law. Time and again, Gilgit-Baltistan government has made fake promises to regularize the contingent employees, but nothing has been done thus far.